तो आज भी कुछ फिटनेस का मंत्र देंगे लोगों को? योगा करनी चाहिए, मेडिटेशन करनी चाहिए। तो फिर तो ये लोग कहेंगे कि मोदी जी की बात बता रहा है। तो फिर कहेंगे तुम बीजेपी वाले हो गए हो। मोदी जी शायद यूथ की बातें कर रहे हैं, तो पूरा यूथ ही मेडिटेशन कर रहा है। आप बस वही बात फिर से कह रहा हूं मैं। कभी आप, मैं आपको पूरी तरह तो फॉलो कभी किया नहीं है। क्यों सर? क्योंकि बहुत कठिन होता है जी, मुझे खुद को 50 साल छोटा करना पड़ेगा, तब जाकर के आपके साथ थोड़ा वेवलेंथ बैठेगा। सर हूँ अहमदाबाद थी छू। स्वागत छे। आप लोगों अहमदाबादियों की पहचान है क्या आप लोगों को? हम अहमदाबादी लोगों के लिए कहा जाता है, ये अहमदाबादी इसलिए बता रहा हूं, उनके लिए कहा जाता है, यानी कोई बुरा मत माने, क्योंकि आजकल ऐसा है कुछ भी बात बड़ा विवाद का विषय बन जाती है, लेकिन ये बचपन में जो सुनते थे वो मैं बता रहा हूं, मैं मानता नहीं हूं। एक बार रेलवे प्लेटफॉर्म पर ट्रेन आई, तो उसमें जो पैसेंजर था वो ऊपर के बर्थ पर था, तो उसने बाहर खिड़की में पूछा कि भाई कौन सा स्टेशन आया है, तो बाहर वाले ने कहा चाराना दोगे तो बताऊंगा। तो उसने कहा मत बताओ, ये अहमदाबादी होगा। धन्यवाद जी, माइक दे दीजिए क्योंकि वो काम आएगा। मैथिली नमस्ते। नमस्ते। तो आज कुछ सुनाई दो और क्या? क्योंकि लोग मेरा सुन सुन के थक जाते हैं। बिल्कुल सर। अच्छा थक जाते हैं ना? नहीं 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 नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या मैं आपके साथ तस्वीर लेनी है? कैसे? अच्छा सेल्फी के बिना नहीं चलता है। आज आपसे मिले मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। यहाँ लोग आपकी बिहारी सुनना चाहेंगे। मैं इतना नर्वस फील कर रहा हूँ कि लगता है भोजपुरी हिंदी इंग्लिश सब बोल गया मैं, बट कोशिश करूंगा। जो भी बोल सकते बोल लीजिए। नहीं मैं बहुत खुश हूँ, धन्यवाद अवार्ड के लिए, और मैं बस लोगों को खुश करना चाहता हूँ और भारत का नाम रोशन करना चाहता हूँ। अगर इसमें मैं सक्सेसफुल हूँ तो मैं खुश हूँ। ये टैलेंट कैसे आपको, कैसे इस तरफ रुचि बनी और कैसे आपकी जिंदगी यात्रा शुरू हुई? मेरा पापा एक्चुअली BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पढ़ाई किया था, तो मैंने बचपन में कुछ टाइम वहीं पे बनारस में स्पेंड किया, और फिर पटना में वो एक्चुअली मिथिला पेंटिंग्स का भी बिजनेस में था कुछ टाइम के लिए। हाँ, तो फिर उसके बाद बचपन के बाद मैं वापस US गया, बट US में मन नहीं लगा, मेरे को लगा मुझको जल्दी घर वापस आना है, तो मैं आ गया। और फिलहाल कंफ्यूज्ड हूँ, लक्षद्वीप जाऊं या द्वारका? द्वारका आपको काफी नीचे जाना पड़ेगा। लेकिन वो मेरा अनुभव बहुत ही अद्भुत था, खैर उसकी बात कभी फिर करूंगा, लेकिन मैं नहीं मानता सब टूरिस्टों के लिए कितना सुविधाजनक होगा। लेकिन अब जैसे मैं आदि कैलाश गया था, आदि कैलाश हमारा काफी ऊंचे टॉप पर है, और दूसरी तरफ मैं यहां द्वारिका में काफी मीटर नीचे चला गया पुरानी द्वारिका देखने के लिए। आप ये जब भारत के इन धरोहर का परिचय करवाती हो, तो मैं एक विषय दो विषय लेकर इन दिनों चल रहा हूं, उसमें आप जो क्रिएटर्स होते हैं मदद कर सकते हैं। एक हमारे लोग क्या करते हैं, जैसे कहीं चले गए सोमनाथ, तो बस में ट्रेन में अपनी कार से उतरेंगे, भागेंगे, और जैसे भगवान अभी कहीं जा रहे हैं तो पकड़ो, उनके दिमाग में यही रहता है तो दौड़ो पकड़ो, और फिर एक बार देख लिया तो इधर उधर छुट्टी। मैं कहता हूं भाई ऐसा क्यों करते हो, जहां जाते हो कम से कम एक रात रुकिए। टोटल जो आपका बजट है, टूर ट्रैवल का टोटल बजट है, कम से कम 5% 10%
लोकल कुछ न कुछ चीज खरीदिए, लोकल प्रोडक्ट खरीदिए। अब फिर आप कहेंगे नहीं हमने पानी पूरी खरीदी थी, ऐसा नहीं। खाना वाना तो कंपलसरी ये खाएंगे, लेकिन कोई वहां की प्रोडक्ट, क्योंकि हमारे देश की जो ये भी एक सामर्थ्य है और वहां की इकोनॉमी को बहुत बड़ा बल मिलता है। अब जैसे मान लीजिए आप बद्रीनाथ गए और वहीं से थोड़ा एक 5 किलोमीटर दूर मणा गांव गए और मणा गांव से हैंडीक्राफ्ट खरीदा, तो हिंदुस्तान का वो पहला गांव, उसके बाद चाइना आ जाता है, वो पहला गांव वहां के कुछ चीजें खरीद करके अपने गांव ले जाओगे, देश की एकता को हमेशा हमेशा बनाए रखने का काम आएगा। तो कभी आप ऐसे विषयों को भी अगर प्रमोट कर सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा। बिल्कुल, बहुत सारे मंदिर कवर किए हैं मैंने अपने वीडियोस में और आपका बहुत बड़ा थैंक यू, क्योंकि अब सारे ही मंदिरों को बहुत ही नया रूप मिल चुका है, तो थैंक यू फॉर दैट। थैंक यू मल्हार। ये जो लोग क्रिएटर्स हैं ना, उसमें कुछ लोग वो भी हैं जो क्या खाना चाहिए वो भी कहते हैं। ये मेरी भी एक इच्छा है कि कभी आपके साथ क्लीनअप कर पाऊं। वाह, थैंक यू, थैंक यू। जरूर जरूर मौका मिलेगा। और हमारी हर प्रकार की सफाई में काम आ सकता है, इस चुनाव में भी सफाई होने वाली है। लो बाबा पैर मत छूइए। बहुत बहुत बधाई आपको। यो श्रद्धा से मेरा दोबारा मिलने का मौका मिला है, बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। वो जो मल्हार है ना, उनको खाना बनाना सिखा, हाँ उसको कुछ सिखाइया। अच्छा हुआ आप इस काम को किया और आपके कारण लोग जानेंगे, कि वरना हमारे गुजरात के लोगों का एक स्वभाव रहा है, वो सैटरडे शाम को किसी के रेस्टोरेंट ढूंढते रहते हैं फास्ट फूड, और फिर वहाँ मैक्सिकन कहाँ मिलेगा, पिछले सप्ताह मैक्सिकन लिया, इस बार इटालियन कहाँ मिलेगा, और अगर वो कुल्लू मनाली जाएंगे तो यार गुजराती डिश कहाँ मिलेगा। खैर मैं बच्चा नहीं था तब, मैं ताइवान गया था बहुत साल पहले, तब तक मैं मुख्यमंत्री भी नहीं था, और मेरा कोई 10 दिन का वहाँ कार्यक्रम, वहाँ की सरकार ने मुझे बुलाया था। हम मेरे यहाँ से गया आइटनरी के साथ, नो फिश नो एग्स नो मीट, सब नो 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 नो, तो उनके लिए परेशानी थी, खिलाए क्या उसको। तो फिर मेरे साथ जो उनके कोऑर्डिनेटर थे, उन्होंने कहा कि साहब यहाँ एक बुद्धिस्ट रेस्टोरेंट है जो वेजिटेरियनिज्म को प्रमोट करती है, तो हमने आपके लिए वहाँ तय कर लिया है, आप क्योंकि और कहीं पर भी आपके लिए वेजिटेरियन मिलना मुश्किल हो जाएगा। तो मैंने कहा चलिए आपकी बहुत बड़ा धन्यवाद करता हूँ, आपने मेरी सेवा की। अब मैं गया, सब मैंने देख, उन्होंने शोकेस किया हुआ था ऑर्डर देने के लिए, मैं देखते ही चौंक गया, क्योंकि किसी को दिखता था चिकन जैसा, कोई दिखता था फिश जैसा, कोई मटन की सारी चीज़ें दिखती थी। मैंने कहा यार तुम यहाँ कहाँ ले आए मुझे, ये तो सब नॉन वेज है। तो फिर मुझे उन बुद्धिस्ट जो लोग थे उन्होंने समझाया कि साहब यहाँ के लोगों को वेजिटेरियन की तरफ ले जाने के लिए हम वेजिटेरियन चीज़ों का शेप ऐसा बनाते हैं ताकि वो मेंटली पहले प्रिपेयर हो। और आप भी कभी ताइवान जाए तो आज भी वो रेस्टोरेंट है। खैर मैं तो उसको देख करके राम राम करके वापस आया। बताओ जरा अपना वाक्य। राम राम भाई सारा ने। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। सुनाइए सबको और चैलेंज भी दे दीजिए आप। तो चैलेंज तो ये है भाई, मतलब डेली वर्कआउट करना, आप कुछ भी काम करते हो, क्योंकि नुगायरा दुनिया में 2.5 सुख है, पहला सुख निरोगी खाया, दूसरा अच्छी नींद और आधे माजा है और बचा उड़ सब कुछ है। तो भाई पहला सुख निरोगी खाया तो अपनी हेल्थ ही काम करो, चाहे आप कोई भी काम करते हो थोड़ा बहुत टाइम अपने ती काटो जरूर।
बहुत बहुत बधाई। मैं अपना बचपन का एक अनुभव बता दूं। मैं ट्रैवलिंग करता था बहुत, और कभी आरक्षण रिजर्वेशन तो कोई सोचना ही नहीं था, भीड़ बहुत होती थी अनरिजर्व डिब्बे में। तो मैं क्या करता था, देखता था कि यहाँ थोड़ा मौका है तो मैं किसी का हाथ पकड़ के शुरू करता देखना, तुरंत लोग मेरे लिए सीट की व्यवस्था करते थे। आइए आइए बैठिए। कोई रेस्टोरेंट वाला अपना किचन दिखाता है क्या? लेकिन आपको मैं बता देता हूं, ईश्वर कृपा है, मैं समय से पहले समय को भांप सकता हूं, और इसलिए ये पहला ऐसा अवार्ड है जो शायद आने वाले दिनों में बहुत प्रमुख स्थान लेने वाला है। कंटेंट क्रिएटर्स के लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन बनेगा, उनके काम को एक बहुत बड़ी पहचान मिलने वाली है। आज जिन्हें नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड मिले हैं, मैं उन विजेताओं को तो बधाई देता ही देता हूं, पर जिन्होंने इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया, क्योंकि बहुत कम समय मिला था, हम ज्यादा इस चीज को पॉपुलर भी नहीं कर पाए थे, और मैं नहीं चाहता था कि मैं इसमें और समय गंवाऊं, लेकिन जल्दी जल्दी में भी, इतने कम समय में भी 1.5-2 लाख क्रिएटिव माइंड्स इसके साथ जुड़ जाए, ये मेरे देश की भी एक पहचान बना देता है। और साथियों, आज एक और पवित्र संयोग है, ये पहला नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड महाशिवरात्रि के शुभ दिन पर आयोजित हो रहा है।